है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। और आज हम बनाने वाले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक ड्राइंग, जो कि मैं इस सोल्डरिंग आयरन से मैं बनाने वाला हूं। तो आप सब ध्यान से देखें कि मैं इस सोल्डरिंग आयरन का कैसे यूज़ करता हूं इस ड्राइंग में। सो चलिए शुरू करते हैं इस ड्राइंग को। सो दोस्तों, यहाँ पे जो मैं पेपर यूज़ कर रहा हूँ वो सुंदरम का ड्राइंग बुक का पेपर यूज़ कर रहा हूँ, 140 GSM का। तो आप चाहे तो आइवरी शीट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पहले ग्रेफाइट पेंसिल से स्केच बना लूँगा, फिर उसके बाद हम सोल्डरिंग आयरन को यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्केच है वो खत्म हो चुका है और मैं यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन को यूज कर रहा हूँ। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका हाथ जो है यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। ध्यान रखिएगा कि आपका जो हाथ है या फिर आपकी जो उंगली है वो यहाँ पे टच ना हो। सो हम अपना ड्रॉइंग चालू करते हैं। इसका आगे का भाग मैंने तोड़ लिया है, बहुत टाइम तक यूज़ करने के कारण हमारे हाथों में हीट लग सकता है, इसलिए मैंने इस सोल्डरिंग आयरन को मास्किंग टेप से कवर कर दिया है। डार्कर शेड्स को अप्लाई करने के लिए आपको इस सोल्डरिंग आयरन को थोड़ी देर पकड़ के रखना पड़ेगा एक पर्टिकुलर जगह पर, ताकि ज़्यादा हीटअप हो सके और उसका जो रंग है वो डार्क हो सके। और लाइटर शेड्स को देने के लिए आपको थोड़े कम टाइम तक उसे पकड़ कर रखना पड़ेगा। I'm not afraid to die.
दोस्तों हमें आप बताइए कि ये ड्राइंग आपको कैसा लगा, और अगर आपको ये ड्राइंग अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम जल्द से जल्द 50K सब्सक्राइबर्स पूरा कर सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।